अभी हाल ही में फिल्म आई थी गदर 2 जो कि बहुत ही चर्चा में थी क्योंकि इसका पार्ट 2 22 सालों के बाद हमें सिनेमा घरों में देखने को मिला था, जिसने लगभग 500 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की थी। गदर 2 से दो दिन पहले आई थी रजनीकांत की जेलर, जिसने 563 करोड़ की कमाई की थी। उसके बाद आई थी शाहरुख खान की जवान, जिसने की दो दिनों के अंदर ही 200 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कमाई कर ली थी। आप सभी सोच रहे होंगे मैं इन सब मूवीज की कमाई की बात क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर फिल्में पैसा कैसे कमाती है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडिया में हर साल 1800 से ज्यादा मूवीज बनती है और इनमें से मुश्किल से 10-15 ब्लॉकबस्टर हिट होती है और लगभग 100 बेसिक हिट होती है। मतलब 1700 से ज्यादा मूवी ऐसी होती है जो ना हिट होती है और ना ही सुपर हिट, फिर भी हर साल इतनी मूवी क्यों बनती है? क्या ये लोग पागल हो गए हैं? नहीं, क्योंकि मूवी रिलीज होकर बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करे ना करे, मोस्ट ऑफ द मूवीज हमेशा प्रॉफिट में रहती है। आप सभी सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, अभी आपको प्रूफ करते हैं कैसे पॉसिबल है। इसको समझने के लिए आपको पूरी चैन समझनी पड़ेगी कि कैसे एक मूवी मेकिंग के प्रोसेस में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मूवी चालू होती है प्रोड्यूसर से, जो मूवी बनाता है उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर सिनेमा हॉल में देता है और सिनेमा हॉल्स में जाके हम मूवी देखते हैं। इन तीनों स्टेक होल्डर पर आज हम डिटेल में चर्चा करते हैं कि प्रोड्यूसर कैसे पैसा कमाता है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, कैसे पैसा कमाता है और उसके बाद सिनेमा क्या करता है और कैसे पैसा कमाता है, इन तीनों पर डिटेल में बात करेंगे। देखिए, बॉलीवुड बिजनेस मॉडल के 3 पिलर होते हैं, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर और सिनेमा हॉल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोड्यूसर की। देखो, ये वो व्यक्ति है जिसका नाम आप सबसे कम जानते हैं और सबसे ज्यादा मूवी बनाने में इसी का हाथ होता है। प्रोड्यूसर वो बंदा है जो मूवी बनाते समय सारा पैसा अपनी जेब से लगाता है। इस बंदे का काम है मूवी के बारे में शुरू से सोचना। तो देखो, मूवी जब बनती है तो 4 स्टेज में बनती है और चारों स्टेज किसी प्रोड्यूसर के जिम्मे होते हैं। तो मूवी मेकिंग का सबसे पहला स्टेप होता है डेवलपमेंट। इस स्टेज तक कोई शूटिंग नहीं होती। क्या होता है, इस समय सब बैठकर डिसाइड करते हैं कि भैया किस तरह की मूवी बनाई जाएगी, स्क्रिप्ट कौन लिखेगा, गाने कौन लिखेगा, हीरो किसको लिया जाएगा, हीरोइन किसको लिया जाएगा, जिसके बाद हीरो, हीरोइन, राइटर, सिंगर और लोकेशन फाइनल की जाती है और यही होती है फिल्म की डेवलपमेंट स्टेज। अब आती है स्टेज 2, जिसको कहते हैं प्री प्रोडक्शन। इसका मतलब है कि हीरोइन को डेट्स मिल गई है तो प्लानिंग करो, हीरोइन की कॉस्ट्यूम कौन बनाएगा, कॉस्ट्यूम बन के वहाँ पहुंची या नहीं, लोकेशन फाइनल हो गई तो लोकेशन वहाँ पर रेडी है क्या, अगर वहाँ पर सेट बनेगा तो क्या सेट बन गया या नहीं, अगर जूनियर आर्टिस्ट लेने हैं तो वो आ गए क्या, कोरियोग्राफर आ गया क्या, ये सारी चीजें प्री डेवलपमेंट स्टेज में आती है। फिर आती है 3rd स्टेज, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज है, प्रोडक्शन, जहाँ एक्चुअल मौके पर जाकर शूटिंग होती है, शेड्यूल होता है, एज पर स्क्रिप्ट धीरे धीरे शूटिंग की जाती है। उस शूटिंग के दौरान जितना भी खर्चा होता है जूनियर आर्टिस्ट को देना, खाने का, लोकेशन पर आने का, जाने का, लॉजिस्टिक का सारा पैसा कौन दे रहा है, तो वो प्रोड्यूसर ही है जो अभी तक अपनी जेब से पैसा लगा रहा है। लास्ट में जब मूवी की शूटिंग खत्म हो जाती है, पैकअप हो जाता है, उसके बाद आती है पोस्ट प्रोडक्शन, जहाँ पे मूवी की डबिंग होती है, जहाँ वर्चुअल इफेक्ट दिए जाते हैं, एडिटिंग की जाती है, शॉर्ट काटे जाते हैं और गाने फिल्माए जाते हैं। अब आती है 4th स्टेज, जिसमें मूवी बनकर तैयार हो गई। अब तक इस मूवी में जितना भी पैसा लगा, ये सारा पैसा प्रोड्यूसर ने अपनी जेब से लगाया है। अब इससे पैसा भी कमाना है, इसको रिलीज भी करना है। प्रोड्यूसर के पास एक ऑप्शन तो ये है कि वो खुद ही जाए सारे सिनेमा हॉल, थिएटर से बात करे और एक एक करके रिलीज करे, लेकिन इतना पेनफुल प्रोसेस वो नहीं लेते। पूरे नेशनल लेवल पर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जिनको ये मूवी बेचते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूटर सिनेमा हॉल में लगाते हैं। अगर 50 करोड़ में मूवी बनी तो ये 100 करोड़ में डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर मूवी देखता है कि हीरो ठीक है, हीरोइन ठीक है, कहानी ठीक ठाक है, 50 करोड़ की मूवी 100 करोड़ में खरीद ली, अब आगे का काम डिस्ट्रीब्यूटर का होता है। प्रोड्यूसर यहाँ तक आते आते फ्री हो जाता है। प्रोड्यूसर की मुख्य कमाई का जरिया क्या डिस्ट्रीब्यूटर को बेचना होता है? नहीं, इसके अलावा भी अदर सोर्स इनके पास होते हैं जिनके थ्रू ये पैसा कमा सकते हैं, जिसमें पहला सोर्स मूवी को बेचना हो गया, दूसरा सोर्स है मूवी के राइट्स को इंडियन मार्केट में बेचकर पैसा कमाना, और इंडिया के बाहर हो सकता है किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को बेचकर वहां से पैसा कमा सकते हैं। तीसरा, ये कहते हैं कि मूवी अभी रिलीज हुई, इसके 3 महीने बाद टीवी पर रिलीज होगी, उसके सैटेलाइट राइट को ये बेचते हैं, उसके 1 महीने बाद ये OTT पर भी जाएंगे तो नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम को बेचेंगे, वहां से पैसा कमा लेते हैं। फिर ये JioSaavn जैसी एप्लीकेशन, जैसे सारे म्यूजिक ऐप पर ये म्यूजिक बेचते हैं, उसको बेचकर पैसा कमा लेते हैं। तो कुल मिलाकर मूवी से डिस्ट्रीब्यूटर को बेचने के अलावा इनके पास 4 से 5 रास्ते होते हैं जिसके जरिए पैसा कमाते हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की। अब आप और मैं डिस्ट्रीब्यूटर है, मैंने 100 करोड़ में मूवी खरीद ली, अब मुझको क्या करना है, मुझे पूरी इंडिया में वो मूवी रिलीज करनी है तो मैं पूरे इंडिया में बात करता हूँ, PVR से बात करता हूँ, छोटे चैनल से बात करता हूँ, लोकल मल्टीप्लेक्स से बात करता हूँ, मूवी लगानी है। अब मुझे पता लगा कि मैं ये मूवी 1000 थिएटर में रिलीज कर रहा हूँ,
उनसे कहता हूँ एक सिनेमा हॉल से 20 लाख रुपए दे दो और मूवी ले लो और रिलीज करो अपने थिएटर में। अब 20 लाख रुपए एक सिनेमा हॉल से लिए, 1000 सिनेमा हॉल थे, इंटू किया था 100 करोड़ हो गए। अब डिस्ट्रीब्यूटर की बल्ले बल्ले हो गई, ये भी इस तरह से पैसा कमा लेते हैं। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको मुझे सामने दिखता है वो है सिनेमा हॉल। हमको लगता है कि सिनेमा हॉल वाले कितना पैसा कमा रहे हैं। अब सिनेमा हॉल वालों ने क्या किया, 20 लाख रुपए में मूवी खरीदी। अब जितने उसके टिकट बिकेंगे उतनी उसकी रेवेन्यू होगी, उस हिसाब से पैसा कमाएगा। आप मान लो वो मूवी ईद के दिन रिलीज होगी, सलमान खान की मूवी थी, 20 लाख के बदले 50 लाख कमा ले, 60 लाख कमा ले या 1 करोड़ कमा ले, वो कुछ भी कमा सकती है। और कभी कभी होता है कि उसके साथ पता चलता है कि 20 लाख की मूवी उसने खरीदी, दर्शक इतने कमाएगी टोटल 10-12 लाख ही कमा पाया, तो कभी कभी सिनेमा हॉल में 7-8 लाख के नुकसान में चले जाते हैं। लेकिन उस नुकसान को कवर करने के लिए वो क्या करते हैं, वो 50 रुपए का पॉपकॉर्न 100 रुपए में बेचते हैं। और असली जो कमाई का जरिया है सिनेमा हॉल का वही है। सिनेमा हॉल कहता है मूवी के नाम पर जो लोग आएंगे मूवी से थोड़ी बहुत रिकवरी करेंगे, नहीं तो थोड़ी बहुत पॉपकॉर्न से करेंगे। वो अपनी कैंटीन से भी काफी हद तक रिकवर कर लेते हैं। तो कंफ्यूजन आपको समझ में आया कि इतनी मूवी क्यों बनती है, क्योंकि प्रोड्यूसर को तो पता है कि मैं तो पैसे कमाऊंगा चाहे फिर मूवी फ्लॉप हो या फिर हिट हो। डिस्ट्रीब्यूटर को भी पता है कि ग्राहक आए या ना आए मैं तो पैसे कमाऊंगा। और सिनेमा हॉल को भी पता है कि अगर कम ग्राहक आए तो पॉपकॉर्न से कमा लूंगा। जब सब लोग पूरी सप्लाई चेन से पैसा कमा रहे हैं तो इसीलिए तो इतनी सारी मूवीज बनती है। तो मूवी के बॉक्स ऑफिस पर हिट होने का सबसे ज्यादा फायदा मिलता है हीरो के ब्रांड इमेज को, उसकी अगली मूवी ज्यादा पैसों में डिस्ट्रीब्यूटर खरीदेंगे और ज्यादा टिकट सिनेमा वाले रख पाएंगे। और मूवी फ्लॉप होने का नुकसान किसको होता है, वो भी हीरो को ही होता है कि अगली मूवी उसकी कम रेट पर बिकेगी और लोग उसको कम देखने आएंगे। तो ये शाहरुख खान, सलमान खान, बड़े बड़े एक्टर्स एक्चुअल में सब समझ चुके हैं कि मूवी में असली जो फायदा और नुकसान है वो हमें एक्ट्रेस का ही होता है। इसीलिए ये 50 करोड़ की, 60 करोड़ की और 100 करोड़ की फीस लेते हैं। और आजकल ये सब एक नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा सिर्फ फीस लेने से क्या होगा, इसमें यह प्रॉफिट में भी हिस्सा लेते हैं और इसीलिए यह पूरी सप्लाई चेन पर कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर आप बोर्ड से देखोगे तो पहला प्रोड्यूसर कौन था, साजिद नाडियावाला, यूटीपी मोशन पिक्चर्स है, इरोज इंटरनेशनल है, यही थे। लेकिन आज का नए प्रोड्यूसर कौन हो गए हैं, सलमान खान जी कह रहे हैं कि मैं भी प्रोड्यूस करूंगा सलमान खान प्रोडक्शन। शाहरुख खान कहते हैं कि मैं ही प्रोड्यूस करूंगा रेड चिलीज। आमिर खान कहते हैं कि मैं भी मेरा करूंगा आमिर खान प्रोडक्शन। इन्होंने अपना ही प्रोडक्शन हाउस कर लिया कि मूवी बनाऊंगा ही मैं, बेचूंगा भी मैं और डिस्ट्रीब्यूटर भी मैं ही हूँ। तो कुल मिलाकर बना भी खुद रहे हैं, एक्टिंग भी खुद कर लेते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद कर लेते हैं, तो पूरे प्रॉफिट पर यही है। इसीलिए सलमान खान की, शाहरुख खान की साल में 1 या 2 मूवीज आएंगी और छोटे छोटे हीरो की 10-10 मूवी आएंगी। फिर भी नेटवर्किंग किसकी ज्यादा है, इनकी, क्योंकि पूरी सप्लाई चेन पर इनका कंट्रोल है। तो ये था पूरा बॉलीवुड का बिजनेस मॉडल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगली वीडियो आपको किस पर चाहिए। लेकिन हाँ, आपका टॉपिक सिर्फ फिल्मी दुनिया से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारे ये चैनल सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री पर ही बात करता है। धन्यवाद, आई होप मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही फिल्मी दुनिया से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।